दोस्तों आज हम आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम दिखाएंगे। इस समय हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और ये आप जो रास्ता देख रहे हैं सीधा मेरठ की तरफ जा रहा है और ये पीछे काले खां से आ रहा है। और थोड़ा सा ही यहाँ आगे चलतों के साथ आप लेफ्ट मुड़ेंगे, लेफ्ट मुड़तों के साथ ही ये अक्षरधाम है दोस्तों, अक्षरधाम की दीवार है, ये अक्षरधाम है। तो यहाँ से ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है और आपको अगर यहाँ से दिल्ली मेरठ जाना तो आप सीधे जा सकते हैं और दिल्ली देहरादून पे जाना है एक्सप्रेसवे पे तो आप लेफ्ट मुड़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखो ये बोर्ड लगा हुआ है, मेरठ यहाँ से 69 किलोमीटर है, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। 69 है, हापुड़ यहाँ से 52 है और नोएडा यहाँ से 6 किलोमीटर है, लक्ष्मी नगर 5 किलोमीटर है। तो दोस्तों चलो आपको हम यहाँ से अक्षरधाम से 0 पॉइंट से लेके आपको शास्त्री पार्क तक का फुल अपडेट देंगे कि कितना काम हो चुका है, कितना बचा है। और चलो दोस्तों यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि कितना काम अभी बचा हुआ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। और दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलो दोस्तों यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और थोड़ा सा आगे चलते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ये यहाँ पे अक्षरधाम की दीवार है। यहाँ से ही देखो ये सामने लेफ्ट मुड़ रहा है, ये यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से ग्राउंड जीरो से ही स्टार्ट है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे और यहाँ पे जो टैल वगैरह का ट्रेनिंग सिस्टम वगैरह का ये काम तो पहले ही हो चुका है। और ये सामने आप देख रहे हैं अक्षरधाम जहाँ से आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सड़क वगैरह का जो काम था, ये जिस सड़क पे चल रहे हैं ये वाला भाग दोस्तों, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे जब स्टार्ट हुआ था तब का बना था, वो वाला भाग जो पलीदत का वो पहले का है। और दोस्तों यहाँ पर टैल वगैरह सारी लग चुकी है, ट्रेनिंग सिस्टम वगैरह सारा हो चुका है। इसी बात की अपडेट दी थी, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट पट्टी वगैरह लग गई थी वो भी सब हो चुकी है। और दोस्तों ये देखे सामने बोर्ड भी लगा दिया गया सहारनपुर सीधे देहरादून सीधे आप, और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा इधर का भाग है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए बोर्ड भी यहाँ से स्टार्ट है। और दोस्तों आई टी ओ सीधे लक्ष्मी नगर सीधे अक्षरधाम आप लेफ्ट में जाएंगे, ये सामने अक्षरधाम आज दोस्तों थोड़ा सा मौसम खराब है। थोड़ा सा आगे देखे दोस्तों ये वाला काम चल रहा है दोस्तों यहाँ पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का, ये देखिए ये वाला काम इधर का चला हुआ है दोस्तों। और जो इसकी एक सड़क थी दोस्तों वो भी अब आम पब्लिक के लिए खोल दी गई है। दोस्तों ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए बनाई है ये सब, ये पहले आम पब्लिक के लिए खोली अब, लेकिन आम पब्लिक अब इस पर जा सकती है। और इस पर ये दो लेन की है दोस्तों सड़क, और इस पर जो क्रैश बैरियर सारा कंप्लीट है दोस्तों, लाइट वगैरह सारी कंप्लीट है, पहले भी हमने इसकी अपडेट दी थी और नीचे से तो हमने अपडेट काफ़ी बार दी है दोस्तों। दोस्तों आज थोड़ी सी हवा चल रही है तो वॉइस क्लियरिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ पाएगी क्योंकि थोड़ा मौसम ऐसे ही हो रहा है आज। और दोस्तों इसका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, पिछली बार अपडेट दी थी तो दोस्तों इसका थोड़ा फुटपाथ का काम बचा हुआ था, लेकिन दोस्तों वो फुटपाथ का भी जो काम है लगभग वो भी कम्प्लीट हो चुका है क्योंकि नीचे एक रेलवे का पुल है और रेलवे के पुल को उसको क्रॉस करने के लिए ये सेपरेट पुल बनाया गया। ये देखिए ये आगे रेल की लाइन, आप देखते हैं रेल की लाइन, तो रेलवे की लाइन को जो क्रॉस करने के लिए पुल बनाया गया था दोस्तों। और इधर मेट्रो की लाइन की, मेट्रो की लाइन तो अलग है दोस्तों, और जो पहले जो पुराना पुल था वो दोस्तों साइड में उधर,
तो ये सेपरेट पुल बना दिया गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। अगर क्योंकि आपको अगर 2.5 घंटे में देहरादून पहुँचना है तो दोस्तों आपके लिए एक सेपरेट सड़क होनी चाहिए जिससे आप जल्दी पहुँच सकते हैं। दोस्तों ये सर्विस लेन का भी काम हो चुका है। अब यहाँ से पहले यहाँ थोड़ा बहुत काम चल रहा था लेकिन इस बार यहाँ पे कोई भी काम नहीं चल रहा है। क्योंकि ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से लेके ललिता पार्क का जो बीच का हिस्सा है दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। यहाँ के रास्ते का भी पूरा क्लियर नहीं कि सर्विस लेन कौन सी होगी और एक्सप्रेस लेन कौन सी होगी या फिर थोड़ी सी दूरी तक ये 1 किलोमीटर का जो हिस्सा है ये फिक्स होगा सर्विस वालों के लिए भी सर्विस लेन वालों के लिए भी और दोस्तों एक्सप्रेस वालों के लिए भी क्योंकि ये 3 लेन की सड़क है दोस्तों। 3 लेन में ही इसमें एक्सप्रेस वे भी जाना और सर्विस लेन भी है क्योंकि यहाँ पर अलग से कोई सर्विस लेन बनाई नहीं गई है न कोई काम चल रहा है क्योंकि ऊपर मेट्रो जा रही है। दोस्तों मौसम आज पूरा ही ख़राब है घटा वगैरह बारिश का मौसम है दोस्तों पूरा तो इसलिए जो लाइट की विजिबिलिटी है दोस्तों ये देखिए लक्ष्मण नगर आप इधर जा सकते हैं गांधी नगर सीधे जा सकते हैं तो लाइट की जो विजिबिलिटी है दोस्तों वो थोड़ी सी कम है क्योंकि जो अगर धूप वगैरह खिली हो तो दोस्तों उसमें काफ़ी अच्छी क्लियरिटी आती है लेकिन आज मौसम ख़राब है तो इसलिए दोस्तों थोड़ी सी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होगी स्टार्ट हो सकता है दोस्तों ज़्यादा दूर तक अपडेट ना दी जाए क्योंकि अगर बारिश तेज होगी तो दोस्तों ये ललिता पार्क है ये ललिता पार्क का बोर्ड है इधर यहाँ पे हम ललिता पार्क है और दोस्तों ये वाली जो सड़क है ये सेपरेट दिल्ली देहरादून के एक्सप्रेस वे के लिए बनाई गई है दोस्तों ये दोनों तरफ ही चालू हो चुकी है देखिए देहरादून आप सीधे जा सकते हैं इस पर भी पूरी लाइट वगैरह जो क्रैश वगैरह है नॉइस कैंसिलेशन वगैरह बोर्ड का पूरा काम कम्प्लीट हो चुका है। दोस्तों हर कैसे स्टार्ट हो चुकी है और ये भी यहाँ पे कैमरे वगैरह स्टॉप हो चुके हैं और
करकड़ी मोड आप इधर जा सकते हैं, तेरह तक के लिए आप सीधे जा सकते हैं। बारिश पड़ने लगी है, आप देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं वीडियो बनाते हुए, नहीं तो दोस्तों बीच में ही रोक। दोस्तों यहाँ से गीता कॉलोनी इधर नीचे मुड़ के जा सकते हो। और दोस्तों बारिश तेज होने लगी है और यहाँ पे देखे लोहे के तार लगा रखे, यहाँ सीधे तो जा नहीं सकते। और ये गीता कॉलोनी का शमशान घाट है, यहाँ से अब आपको नीचे नीचे अपडेट देंगे जहाँ तक भी जा सकते हैं। दोस्तों बारिश बड़ी तेज हो गई है, बारिश तेज हो चुकी है, हम बारिश में पूरी तरह भीग रहे हैं दोस्तों। तो आगे तो पैदल तो जा सकते हैं लेकिन वैसे नहीं जा सकते गाड़ी से, दोस्तों ये पूरे बंद कर रखा। तो चलो दोस्तों नीचे से ही अपडेट देंगे आपको बारिश बंद होने के बाद। दोस्तों इस समय हम गांधीनगर में, यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें रुकना पड़ गया। और दोस्तों ऊपर की साइड हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि लोहे के तार वगैरह लगा रखे हैं और वहीं पर एकदम तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई दोस्त काफ़ी, इससे मैं भी भीग गया, मोबाइल वगैरह भी भीग चुके मेरे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम गांधीनगर से दोबारा फिर स्टार्ट करें क्योंकि देखो पानी पानी हो चुका सारे में और ये ऊपर से कितना पानी गिर रहा है। ड्रेनिंग सिस्टम इसका बीच बीच में काफ़ी पानी गिर जाता है एक्सप्रेस वे पे नीचे, जैसे ये गिर रहा है दोस्तों यहाँ से देखो कितना पानी गिर रहा नीचे, ऐसे बीच बीच में नीचे काफ़ी पानी गिर रहा है क्योंकि ड्रेनिंग सिस्टम के लिए काफ़ी पाइप लग चुके हैं पीछे, लेकिन अभी बीच बीच में काफ़ी पाइप बचे क्योंकि बारिश में इस पर एक्सप्रेस वे पानी ना भरे तो इसलिए देखो ये पानी के वाट पाइप इधर लगा रखे हैं, लेकिन बीच में पानी अभी भी नीचे काफ़ी गिर रहा है। तो दोस्तों वैसे एक्सप्रेस वे का काम ऊपर तो काफ़ी सब ब्लैक टॉप वगैरह का इसका बहुत सारा हो चुका है, हमने ऊपर की अपडेट काफ़ी दी है, लेकिन आज हम बारिश पड़ गई थे तो यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है। तो दोस्तों इसलिए बीच बीच में से आपको पानी का रास्ता मिल जाएगा इसलिए से, क्योंकि पाइप वगैरह तो काफ़ी लग चुकी है लेकिन पानी अभी काफ़ी ड्रेनिंग सिस्टम का काम अभी बचा हुआ है। दोस्तों बारिश काफ़ी तेज हो रही है और ये देखिए एक्सप्रेस वे जो पाइप लगाई वो देखो कैसे लीकेज है, पानी की जो ड्रेनिंग सिस्टम है दोस्तों यहाँ भी देखते हैं अभी काफ़ी तरह के ड्रेनिंग सिस्टम पूरा आगे भी खराब है। देखो दोस्तों पाइप लगने के बावजूद भी पानी बहुत गिर रहा है, तो इसी तरह दोस्तों इस पर जो एक्सप्रेस वे का भी ड्रेनिंग सिस्टम का काम अभी काफ़ी हुआ नहीं है, जो हो चुका है वो थोड़ा सा अभी देखो गड़बड़ है, ये चीज़ें इनको ठीक करनी पड़ेंगी, ये लीकेज वगैरह जो है। और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है दोस्तों, बारिश बीच बीच में काफ़ी तेज़ हुई फिर हमें रुकना पड़ा। ये सामने शास्त्री पार्क में आता है दोस्तों सीलमपुर में, और दोस्तों अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे अब चल रहे क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है, सारे पानी वानी हो चुका है और ऊपर से काफ़ी हम भीग चुके हैं दोस्तों सारे के सारे।
और दोस्तों ये देखे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे, इधर पे अभी क्रेन से कुछ काम हो रहा है। और इधर आपको जो ये एक्सप्रेस वे यहाँ से मुड़ गया है, तो दोस्तों ये रेलवे लाइन की क्रॉस करने के लिए मुड़ चुका है और दोस्तों उसके ऊपर से पूरा कम्प्लीट हो चुका है। दोस्तों इस समय हम शास्त्री पार्क में हैं, वहाँ से वीडियो बनाते आगे, लेकिन दोस्तों बीच में काफ़ी तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से जगह जगह पानी भर गया, हम भी सारे भीग चुके हैं दोस्तों। और थोड़ा थोड़ा सा नीचे से सारा काम कंप्लीट है दोस्तों, ऊपर भी अधिकतर कंप्लीट है, लेकिन दो एलिवेटेड जो सेटमेंट उसके बीच में जो लोहे का लगाना है वो बीच बीच में बचे हुए हैं दोस्तों, और जिसकी वजह से थोड़ा वाटर डैमेज की वजह थोड़ी बीच बीच से पानी टपक रही है, पानी की दिक्कत आ रही है दोस्तों। और दोस्तों जगह जगह पानी भर के हमारे बीच सारे जूते वगैरह सारे भीग के, और अगर आपको यहाँ से शास्त्री पार्क से एंट्री मिल जाती है तो आप यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पर भी चढ़ जाते हैं। ये जो दोस्तों यहाँ से एंट्री पॉइंट है शास्त्री पार्क का, और बारिश दोस्तों इस समय भी पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, और यहाँ से ये एंट्री पॉइंट है। आप यहाँ से एंट्री ले कर सीधे खजूरी चौक देहरादून की तरफ जा सकते हैं, शास्त्री पार्क की तरफ, और ये देहरादून की साइड जा रहा है दोस्तों, और ये पीछे आप देख रहे हैं शास्त्री पार्क है। तो दोस्तों ये बारिश की वजह से, बारिश तेज़ होने की वजह से, ये देखिए बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, ऊपर से पानी काफ़ी हो रहा है और पानी भी काफ़ी भर चुके जगह जगह। तो दोस्तों वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो आगे की अपडेट नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन का इनको दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये बारिश की वजह से सारा थोड़ा मौसम ख़राब हो गया, नहीं तो और आगे तक आपको अपडेट देने जाते। और दोस्तों वैसे नीचे से तो सारी कंप्लीट ही है, ऊपर का भी थोड़ा सा काम बचा हुआ, भी अभी शायद 2 महीने लग बचेंगे, 2 महीने के करीब का बता रहे हैं कि समय के, 2 महीने में इसका जो गीता कॉलोनी से लेके और खजूरी चौक तक का काम कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों, 2 महीने 2-2.5 महीने का समय और लगेगा।